शेख जी कहाँ गए? शेख जी जल्दी आओ, शेख जी जल्दी आओ, जल्दी आओ शेख जी, जल्दी उठो उठो मेरे साथ चलो, जल्दी जल्दी आओ शेख जी, बाहर को आओ। क्या बात होगी? तू तो अपने अब्बू के साथ आने वाली थी, बस हो गया लाडपुरा, होगी होली अब्बू वाली है? पहले सुनी है नहीं, भाषण शुरू हो गए। हाँ बोल, भाषण बंद। शेख जी मेरे अब्बू को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ले गई? मगर क्यों? वो इसलिए मेरे अब्बू की शक्ल किसी चोर से मिलती जुलती है। पुलिस वाले ये कह रहे थे जब तक वो नहीं मिलता तुम्हारे अब्बू को जेल में रखेंगे। रानी के शक के बिना में ले गई? कोई बात नहीं है, तेरा अब्बू चोर है ही नहीं, छोड़ देंगे। नहीं शेख जी, एक पुलिस वाला ये कह रहा था छोड़ तो देंगे पर पहले जेब गर्म करनी पड़ेगी। जेब गर्म करनी पड़ेगी? शेख जी करो ना, कुछ तो करो, छुड़ा के लाओ मेरे अब्बू को, पुलिस वालों की जेब गर्म करो, तुम तो कर देते हो। बाप अगली ये काम तो बहुत कठिन है। तुम्हारे लिए कौन सा कठिन काम है? चले जाओ ना शेख जी, छुड़ा लाओ अब्बू को। साहब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो साहब, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, वो तो कोई और था, मैं नहीं हूँ साहब। जनाब जनाब साहब साहब जी, मुझे तो खामा खामे पकड़ फिर रहा, वो तो कोई और है। सर हाँ, दरोगा जी से मिलना। कौन से दरोगा जी से मिलना? वही जो रफीक को पकड़ के लाए। वो बैठे सामने। वो सामने जाओ। ठीक है। साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साहब एक मेरी बात सुनो। दरोगा जी। हाँ बोल बोल, क्या बात है? एक तरफ को आओ, चलो उधर चलो। कहाँ लेके जा रहा है? अरे बात तो बता, क्या बात है? चलो सही, एक तरफ बताऊंगा, जेब गर्म करने वाली बात है। अरे जल्दी बता, फटाफट बता, क्या बात है? साहब साहब एक बार मेरी बात तो सुनो। एक मिनट रुक, अभी सुनता हूँ पूरी बात तो सुनो। एक सेकंड एक सेकंड सुन लो। जी सर। हाँ हाँ, उन चारों अपराधियों को अदालत भेज दिया है। फोन करा है? हाँ जेब गर्म कर देता हूँ। ठीक है। हाँ वो रात जो झगड़ा कर रहे थे उनको 151 में दाखिल करके मैंने SDM कोर्ट भेज दिया है। हाँ विधायक जी का फोन आया था उनकी उसमें, पर मैंने उनकी बात को मानते हुए। क्या कर दिया तुमने ये? गुलाब जी सर। गुलाब जी सर। करंट सा लगा यार। सर आपकी जेब में तो तिल्ली है। तिल्ली कहाँ से आई है? मैंने डाली है साहब, मैंने डाली है। तूने हमें जलाया? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं तो जेब गरम कर दिया था आपकी। तुझ पे एक्स्ट्रा केस लगेगा साहब। साहब रफीक जी को छोड़ दो, रफीक जी को छोड़ दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब तो तुझ पे अलग से केस बनाऊंगा। गुलाब इस हवालात में लेके चलो। अजी रफीक को छोड़ दो, चोर नहीं है, चोर नहीं है साहब, वो चोर नहीं है, छोड़ दो रफीक को, छोड़ दो साहब। रफीक क्या लगता है तेरा? वो रुखसाना का अब्बू मेरा ससुर है। ससुर? अच्छा तेरा रिश्तेदार है वो? हाँ जी हाँ हाँ, मेरा ससुर है। अच्छा तेरा ससुर है वो? हाँ जी हाँ। ओके। हाँ जी हाँ। वो जो तेरा ससुर है ना? हाँ जी हाँ जी। वो शक के बिना पे पकड़ा गया है, जब तक असली मुजरिम नहीं मिल जाएगा हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ओहो ऐसा लगता है जेब कम गर्म हुई है, जेब ज्यादा गर्म करनी पड़ेगी। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं सर, सर मैं तुम्हारी जेब और गर्म कर दूंगा, मैं तो माचिस लाया हूँ। ओहो तू हमारी जेब गर्म करेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो तू हमें जलाएगा? नहीं जी नहीं जी नहीं जी। तू हमें फूकेगा? अरे नहीं 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 नहीं। साहब साहब माफ कर दो, साहब माफ कर दो, माफ कर दो साहब, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो सर, माफ कर दो। सर ये तो बहुत शातिर आदमी है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, जब मेरी जेब गर्म हुई तब मैंने देखा, वरना मैं तो जल जाता। सर जलाया नहीं, जेब गर्म करी है। कुछ पे तो अलग से केस बनेगा। गुलाब जी सर, इसे हवालात में लेके चलो। जेब गर्म करेगा तू हमारी? सर आज बताता हूँ कैसे जेब गर्म होती है। सर, सर, जेब गर्म करेगा ना हमारी? आज बताता हूँ। सिपाही जी को पकड़ रहा हूँ, तुम तो बहुत बेकार पुलिस वाले हो। जेब मुझे माफ कर दो जी, दरोगा जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो जी, अब जेब गर्म, जेब गर्म, उन्हें छोड़ दो मेरे ससुर है, छोड़ दो उन्हें सर, छोड़ दो। चल ले जाओ उसे भी, दोबारा करी तो जेल में डाल दूंगा। भेज दे भेज दो भेज दो सर भेज दो। चल ले चल जा। गुलाब भगा इन दोनों को, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। आजा अब्बू आजा। चल 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 निकल, जेब गर्म करनी पड़ेगी मुझे, आजा। पता नहीं शेख जी अब्बू को कैसे छुटा कर लाएंगे।
भेज दिया बेटा शेख चिल्ली को बुलाने के लिए? हाँ अम्मी, भेज के तो आई हूँ, देर भी बहुत हो गई, पर अब तो आने वाले होंगे। हाँ आ जाना चाहिए अब तक तो। लो अम्मी आ गए। ले आ गए। चलो आ गए। ऐसे करो तुम आराम से बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना पका के लाती हूँ। हाँ बेटा बना ले, सालों ने भूखा मार दिया। ठीक है जी, आप बैठो, हम खाना बना के लाते हैं। लिया, लिया, जाओ, लिया, लिया। जाओ खाना ले आओ, जाओ जाओ अंदर से ले आओ। जाओ। अब्बू तुम्हें पता तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरी जान झोंक दी। पर बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा? क्या बताऊं अब्बू, जेब गरम करने के चक्कर में सारी गड़बड़ हो गई। जेब गरम करने के चक्कर में? ये पुलिस वाले भी ना सच्चे चोर को नहीं पकड़ते। अब सच्चा पकड़ा गया उसका क्या करेंगे अब्बू? ये करना क्या, कुछ ले दे के छोड़ देंगे, इनकी तो रोजी रोटी है। अगर चोर ना हो तो पुलिस तो भूखी मर जाएगी। अब्बू इसका मतलब पुलिस वाले को तो चोर कमा के देते हैं, इनके बच्चों को भी चोर पाल रहे हैं। हमें भी चोरी करनी चाहिए, अपना पेट भी भरेंगे और पुलिस वालों का भी। बेटा अगर ये बात है तो करें काम को शुरू। रोटी से खा लो अब्बू, बाद में करेंगे चोरी। अब्बू तुम तो आवे चोरी करनी। हाँ बेटा कभी कभी तो कर ले, छोटी मोटी चोरी तो करी है। चोरियां करी हैं। अब्बू तो मुझे भी सिखा दो। आज ही सिखा दूंगा, चल रात को चलते हैं। चल बेटा मैं तुझे अभी सिखाए दूं। शेख जी रोटी खाओ। रोटी तो खा लो, रोटी खा लो, क्या हमको सिखा दियो। ला बेटा। अरे तू भी खा ले खाना। नहीं आप खा लो। तूने कब खा लिया? नहीं जी मैंने तो खा ली, ये पहली खा ले। और तुम्हारा क्या भरोसा, कब आते हो कब जाते हो क्यों अम्मी? आराम से खाओ, कहीं बाजी ना जा रही है रोटी। अबे काम है ट्रेनिंग की बात है, तुझे ना पता अभी। हाँ अब्बू। हाँ कौन सी ट्रेनिंग कराओगे शेख जी को? अरे छोड़, कैसी ट्रेनिंग की बात चल रही है? काय की सब्जी है ये? ये पनीर बनाया था आज। पनीर? पनीर कैसा मंगवाया? घर पे ही निकाला था पनीर। अच्छा आप क्या तुम यहीं बैठी रहोगी? हाँ तुम ही खा लो, मैं तो बाद में खा लूंगी। अब तुम यहीं बैठी रहोगी छाती पे? तो कहाँ बैठे? चलो अंदर लौटो अपने, हम भी खा के लौटे नहीं। ठीक है हम सो जाएंगे अपने आप, हम खा के ही लेट जाएंगे। हाँ अब्बू बहुत चालू चीज है, अब खा के प्लान बना लो। हाँ बना ले, वो तो लेट गई। जल्दी खा ले अब्बू, जल्दी खा ले, रुखसाना अंदर अंदर सोगी, अम्मी भी सोगी, तू भी जल्दी खा ले। जल्दी खा ले, चलना भी है फिर, प्रैक्टिस भी करवा दे जल्दी, आज सिखा दे अब्बू। अबे बहुत टाइम हो गया, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, लेट जाओ थोड़ी देर जब चलेंगे, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, झूठ सी लेट जाओ। अबे मैं यूं कर रहा हूं, निकल ले, लेट जाओ बिल्कुल लेट जाओ, आंख सी मीच लो। अब्बू रुखसाना ना सुन ले, मरी पड़ी है। ठीक है आजा आजा। ले भाई ये घंटी, और जैसे भैंस के गले में बांध दे। तो भाई ये घंटी क्यों बंधवा रहे हो? यहाँ से देख भाई, ये घंटी नू बंधवा रहा हूँ कि आजकल चोर घूम रहे बहुत, ये घंटी अगर भैंस के गले में रहेगी ये बजती रहेगी, अगर कोई चोर उसे खोल कर ले गया जिधर को घंटी बजती हुई चली जाएगी, हम उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। बेटा आज सिखा दूंगा तुझे कैसे की जाती है चोरी।
अब वो चल बाद में आएंगे, अपने सौंदर्य बाद में आते हैं। अबू थक गए ना बेटा? अच्छा ये बताओ क्या करना है? तुझे खाने कमाने के गुण सिखाने, ताकि जीवन में तुझे कोई चैलेंज ना कर सके। क्या सिखा रहे हो, कैसा चैलेंज? अरे खाने कमाने की बात थी कुछ। अबू जो सिखाना है कल सिखाना, आप आराम से सो जाओ, मैंने आपका बिस्तर अंदर लगा दिया है। अरे हम तो यहाँ बिछा लेंगे, अपना बिछा लेंगे। मैंने तो सोचा अंदर सो जाएंगे, ठंड ज्यादा है। ठंड ज्यादा, चल अंदर सो, चल। या ठीक है, हम तो यही ठीक है, यही ठीक है, चल जाओ। ठीक है सो जाओ, जैसे भी सोना। दोनों जगह सोएंगे अबू, चलो ठीक है भाई, ये ले। चल रजा निकालो, ऊपर रख ले। बिज गया अब, सोना बैठ, अब सोएंगे। ठीक है अबू, रजाई ओढ़ ले, ठंड सी पड़ रही है, अकड़ जाएगा नहीं, कभी कुकड़ी जकड़ी पड़ी रही। चल उठ जा, टाइम हो गया, 5 बज गए। चल जल्दी चल, फिर दिल निकल जाएगा। फिर कोई लगने का भी ना कुछ हाथ, तेरी ट्रेनिंग भी बेकार जाएगी नहीं अब्बू। चलो अब्बू निकल ले, सोई पड़ी दोनों, ठीक है निकल ले। निकल ले अब्बू, सारा पूरा कुंभकर्ण हो रहा, खराटे मार रहा, ट्रैक्टर सा स्टार्ट कर रहा, साइलेंसर का मतलब बता दे। इधर को आ जा, ऐसे ना हो मुझे ट्रेनिंग देने चक्कर में मेरी धैकनी से पार करवा दे रात को। चल बेटा धीरे बोल, पहले मैं भैंस की घंटी खोल के तेरे हाथ में दे देता हूँ, तू उधर को निकल जा, मैं भैंस लेके इधर निकल जाऊंगा। चल धीरे से खोल ले, अबे घंटी मत बजा, दूर जाके बजाइए, दूर जाके। चल खोल खोल, आराम से खोल ले, मत बजा, निकल जा, जल्दी जा, जा उल्टे हाथ को निकल जा, जा जंगल की तरफ, मैं जा रहा हूँ इधर। आजा, अरे आजा, तुम्हें भैंस भी अकड़ रही है, और आजा 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 आजा, अरे मेरी रानी आजा, जा जा जा। अरे देख ये भैंस खुल के दिखे भाई, जा देख का जाके। भाई तुम भी आ जाओ। चल चल रहा हूँ, चल भाई चल। अरे भैंस कहाँ गई, खुल गई दिखे, हल्की बांधी होगी। अरे मैंने तो सही बांधी थी, घंटी की आवाज वहां से आ रही है। चल चल जल्दी, चल 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 जल्दी, कभी कहीं दूर ही निकल जा। अरे अरे भैंस तो कहीं दिख ना रही भाई, अरे उधर जा रही दिखे भैंस, चल आ जल्दी आ, चल थावड़ा। अरे अरे जल्दी चल, आगे जा रही भैंस तो भाई, और दिखाई कहीं दे नहीं रही, चल जल्दी जल्दी चल तू। अरे कभी कोई ले जा सर, तू जाओ जल्दी चल यार, चल चल। घंटी की आवाज तो आ रही पर भैंस नहीं दिखाई दे रही कहीं।
देख कहीं को नजर सी मार के। देख भाई तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। अरे तेरी यार कैसे करे बता भाई। देख भाई गौर तो सुन, घंटी की आवाज़ तो सुनाई दे रही पर भैंस दिखाई नहीं दे रही। चल इस बाग से मेरे को बैठ के देख ले, देख कहीं को झांक सी के दिखाई दे वह के कहाँ को चलें। अरे देख इधर से आवाज़ आ रही है, इधर कोई गई दिखे। घंटी तो भैंस की बज रही पर यू तो कुछ और ही बवाल है, चला देखे। अबे तू कौन है? मैं भैंस हूँ। भैंस? भैंस है तो यूल है। मैं तू कौन है? बे मैं हूँ जोट्टा, जोट्टा हूँ जोट्टा। जोट्टा? अबू सांड भैंस को तू ले गया, जोट्टा मेरे पे छोड़ गया। खड़ा हो ऊपर को। घंटी? भैंस की घंटी बजा रहा? भैंस कहाँ है? मैं मारा था उसे, मारा जो तुम्हारी भैंस ले गया। बस आले पड़ोसी, पड़ोसी होके मार रहा, पड़ोसी की शर्म नहीं कर रहा। अच्छा तू बहुत शर्म कर रहा, डांड भी साथ घर छोड़ के वार करे और तू घर में ही डाका डाल रहा। कौन ले गया भैंस बता दे वरना तुझे पुलिस में दे देंगे। बा हमने भी पुलिस की खातिर चोरी की है। पुलिस की खातिर? तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। हाँ तू सुबह पुलिस को बुला। तो तू बिना पुलिस के भैंस नहीं बतलाएगा कहाँ है? पुलिस के बिना कैसे दे देंगे, पुलिस वालों के बाल बच्चे ना। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, लठ लगते ही सब बता देगा। अबे तो मैं बताने को कौन ना मना कर रहा हूँ। ठीक है तो सुबह पुलिस तेरे घर पे मिलेगी, हम जाने हैं तुझे भी और तेरे घर को भी। मैं घर पे मिलूंगा, लिया पुलिस ना जाओगे घर पे मिलूंगा। अबे घंटी तो दे, घंटी कहाँ ले जा रहा है? अजी उठो, तुम्हारी सुबह ना हुई अभी। साहब वो सो रहे। ऐसे सो रहे हैं जैसे रात को भैंस बेच के सो रहे हैं। हैं? साहब इन्होंने मेरी भैंस बेच भी दी और घंटी रह गई। गुलाब पकड़ो इन्हें। अरे दरोगा जी आप यहाँ क्या बात हो गई? बताएंगे बताएंगे। ए सेक चिल्ली के बच्चे उठ। पुलिस अबू पुलिस। शराब खोल लो, आंखें खोल के देखो हम कौन है। क्या बात है दरोगा जी? बात ये है तुम दोनों ने इसकी भैंस चुरा कर बेच दी है, अब तुम दोनों जेल जाओगे। कौन कह रहा है? किसी के पास कोई सबूत है कि भैंस हमने चुराई है? आपको किसने बताई है? हमने बताई है, हमें सबूत। अभी तो हमने भैंस बेची भी नहीं है। वो बन रही पीछे पीछे बन रही है, बस मैंने रात बदला दी थी, पिछवाड़ा पे लात लग दी, बता दी थी मैंने इसे। हैं? क्या तुमने भैंस चुराई है? दरोगा जी मारा इन्हें। दरोगा जी क्यों मारेंगे? हैं? हमने तेरे बच्चों की खातिर भैंस खोल ली है। क्या हमारी खातिर? हाँ जी। पर वो कैसे? वो ऐसे, अगर चोर ना हो आपके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, बाहर रोटी तक नहीं मिलेगी, भूखे मर जाएंगे भूखे। इतना इमोशनल मत कर शेख चिल्ली, अरे रुला दिया तूने तो पगले। मेरी जिंदगी में ऐसे मुजरिम नहीं आए आज तक जिसने हमें रुलाया हो और हमारे बारे में सोचा हो। पर एक काम कर ले, इसकी भैंस दे दे।
बात दरोगा जी, हम भैंस को क्या मना कर रहे हैं, मगर हमने तुम्हारे बारे में सोचा, क्या गलत सोचा आप बताओ। चलो कोई बात नहीं शेख चिल्ली, जो तूने सोचा पर उसे हमारा कानून नहीं मानता। आज के बाद ऐसा मत सोचना, ये गलत काम है। आज के बाद गलत काम नहीं करेंगे। और सुनो, इनकी भैंस दे दो। हैं भैंस दे दो? भाई ये बैलदारी हमसे करवाएगा, वो बंदर गली में ले जाओ। क्यों अब्बू? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ निकलो, बस तुमको तो मेहमान लग रहा है, चाय पियाऊं तुम्हें? निकलो। ओके गुलाब, तू सही कहता था, ये बहुत मजाक के आदमी। भैंस, मेरी भैंस गली में, कहीं देखो। बोले बच्चे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा तो अब हम फिर मिलेंगे।